बस्ती से खबर है। गौर ब्लॉक में बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। बीजेपी प्रत्याशी जटाशंकर शुक्ल को पुलिस ने ब्लॉक से खदेड़ दिया है। पूर्व प्रमुख महेश सिंह समर्थक और बीजेपी समर्थकों में तनाव है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। नामांकन के लिए तनातनी चल रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें। पूर्व प्रमुख महेश सिंह समर्थक और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों में देखिए कैसे हंगामा हुआ। गौर ब्लॉक में बीजेपी प्रत्याशी जटाशंकर को पुलिस ने ब्लॉक से खदेड़ दिया है। पूर्व प्रमुख महेश सिंह समर्थक और बीजेपी समर्थकों में तनाव। एक्सक्लूसिव तस्वीरें खदेड़े जाने की। देखिए पुलिस यहां पर कैसे एक्शन में है बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है स्थितियों को काबू करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए। पूर्व प्रमुख महेश सिंह समर्थक और बीजेपी समर्थकों में तनाव। गौर ब्लॉक में बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है बस्ती में। और अगली बड़ी खबर पीलीभीत से है। नामांकन के दौरान बवाल हो गया है। बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी आपस में भिड़ गए हैं। पुलिस ने मामला शांत करने के लिए लाठियां चलाई हैं। पीलीभीत के अमरिया ब्लॉक का सारा मामला है। भाजपा द्वारा घोषित प्रत्याशियों की सूची में नाम न होने पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्याम सिंह के समर्थकों पर भिड़ने का आरोप लगा। मौके पर अधिकारी और पुलिस फोर्स तैनात। एक्सक्लूसिव तस्वीरें मारपीट की देख लीजिए आप। बीजेपी के समर्थक प्रत्याशी के और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थक आपस में भिड़े हैं, कैसे देखिए आप। खूब मारपीट हुई दोनों समर्थकों के बीच में और पुलिस वहां पर खड़ी रही, छुड़ाने की कोशिश करती रही और फिर बाद में पुलिस ने लाठियां भी चलाई। पीलीभीत की तस्वीरें। प्रत्याशी आपस में भिड़े हैं, पुलिस ने लाठियां चलाई हैं। पीलीभीत की तस्वीरें। नामांकन के दौरान ब्लॉक प्रमुख पद के ये सब कुछ हो रहा है। अलग अलग जिलों से हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। समर्थकों के आपस में भिड़ने की तस्वीरें सामने आ रही हैं और इसी क्रम में पीलीभीत की ये तस्वीर, दोनों ही तस्वीरें। प्रत्याशी आपस में भिड़े, उनके समर्थक आपस में भिड़े और फिर पुलिस ने बाद में इन्हें काबू करने के लिए लाठियां चलाई। इधर गोरखपुर के खोराबार और सहजनवा में भी विवाद हुआ है। सपा प्रत्याशी को नामांकन से रोकने का आरोप है। खोराबार में निवर्तमान जिलाध्यक्ष नगीना साहनी ने आरोप लगाया। गोरखपुर के खोराबार और सहजनवा में सब कुछ हुआ है। सपा प्रत्याशी को नामांकन से रोकने का आरोप लग रहा है। खोराबार में निवर्तमान जिलाध्यक्ष नगीना साहनी ने आरोप लगाया है कि सपा प्रत्याशी को नामांकन से रोका जा रहा है। बड़ा आरोप प्रशासन के ऊपर और ऐसे ही आरोप दूसरे स्थानों पर भी लग रहे हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा। और बड़ी खबर है, ब्लॉक प्रमुख के नामांकन को लेकर सीतापुर में हंगामा हुआ है। सीतापुर के कसमंडा में नामांकन के दौरान बवाल हो गया है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों पर हथगोला फेंके जाने की भी खबर है। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों पर फायरिंग करने की भी खबर आ रही है। सीतापुर के कसमंडा में नामांकन के दौरान बवाल, ये देखिए आप कैसे हुआ। हथगोला फेंके जाने की भी खबर है। ये देखिए आप धमाके और धुएं की तस्वीरें, नामांकन के दौरान हंगामे की तस्वीरें। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, नामांकन के दौरान हंगामा। सीतापुर की तस्वीरें। हथगोला भी फेंका गया है, फिर बाद में पुलिस ने लाठियां भांजी और इन उपद्रवियों को वहां से खदेड़ने का प्रयास किया, जैसा कि आप इस तस्वीरों में देख पा रहे हैं। हथगोलों की भी बरसात हो गई, एक के बाद एक धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं। सीतापुर जबरदस्त हंगामा, नामांकन के दौरान हथगोला भी चला दिया गया। Hey!
देखिए आप, एक के बाद एक धमाकों की आवाज आई, हथगोले चला दिए गए। ये हंगामा इतना बढ़ा, ये संघर्ष इतना आगे बढ़ा कि यहाँ पर हथगोले चल गए और एक के बाद एक धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं। इन समर्थकों को आप देखिए, और फिर बाद में पुलिस ने इन्हें काबू करने के लिए लाठीचार्ज भी किया, लेकिन तब तक हथगोले भी चलाए जा चुके थे। जबरदस्त हंगामा, घायल हुए समर्थक को भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, सीतापुर की तस्वीरें। अगली बड़ी खबर बस्ती से है। बीजेपी में बगावत सामने आई है, बीजेपी के बागी और बीजेपी कैंडिडेट के समर्थकों में मारपीट हुई है। पुलिस के सामने ही दोनों नेताओं के समर्थक आमने सामने हुए। बनकटी ब्लॉक का प्रमुख प्रत्याशी को लेकर बवाल हुआ है। बीजेपी के बागी रमेश बहादुर सिंह भी मैदान में उतर गए, बीजेपी प्रत्याशी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है। नामांकन से पहले दोनों नेताओं के समर्थकों में मारपीट हुई है। पुलिस के सामने ही दोनों नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। बस्ती बनकटी ब्लॉक का प्रमुख प्रत्याशी को लेकर हंगामा, बीजेपी में बगावत सामने आई है। बीजेपी का बागी प्रत्याशी और बीजेपी का ऑफिशियल कैंडिडेट और उनके समर्थक आपस में भिड़ गए, पुलिस के सामने ही सब कुछ। इधर झांसी में भी नामांकन के दौरान हंगामे की खबर आ रही है। बड़ा गांव ब्लॉक के बाहर हंगामे पर पुलिस का एक्शन दिखाई दे रहा है। हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने लाठी भांजी है। झांसी में ब्लॉक प्रमुख के नामांकन के बीच पथराव की भी खबर आ रही है। झांसी में भी हुआ है पथराव और हंगामा, तस्वीरें देख लीजिए आप। हंगामे पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, कैसे वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। पुलिस सक्रिय हुई है हंगामा होने के बाद। बड़ा गांव ब्लॉक के बाहर हंगामे पर पुलिस ने यह एक्शन लिया है। तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव में नामांकन के दौरान जगह जगह हंगामे हुए हैं, प्रत्याशियों के समर्थक टकराए हैं, प्रत्याशी टकराए हैं। कहीं पर पुलिस मूक दर्शक बनी रही और कहीं पर उसने इस प्रकार का एक्शन लिया है, जैसा कि झांसी की तस्वीरों से दिख रहा है। बड़ागांव ब्लॉक के बाहर हंगामे पर पुलिस का एक्शन देख लीजिए। अब हम उन्नाव की बात करेंगे। वहां पर असोहा ब्लॉक में नामांकन के दौरान बवाल किया, सपा और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों के बीच बवाल हुआ। बीजेपी समर्थकों ने जमकर पत्थर चलाए, सपा प्रत्याशी को रोकने के लिए यह बवाल हुआ। जबरन ब्लॉक कर गेट के अंदर दाखिल हो गए बीजेपी के समर्थक। सपा और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों के बीच बवाल, बीजेपी समर्थकों ने जमकर पत्थर चलाए। उन्नाव की तस्वीरें, सपा प्रत्याशी को रोकने के लिए बवाल किया गया है। अगली खबर लखनऊ से है। बीजेपी प्रत्याशी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा छीना है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक कार्यालय पर बवाल कर दिया। लखनऊ से खबर, बीजेपी प्रत्याशी पर गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा छीन लिया है, ऐसा आरोप बीजेपी प्रत्याशी पर। लखनऊ की तस्वीरें आप देख लीजिए। बीजेपी प्रत्याशी पर गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का पर्चा छीनने का आरोप बीजेपी प्रत्याशी पर लग रहा है। गुंडागर्दी करने का आरोप लग रहा है। लखनऊ में पुलिस फोर्स मौके पर है, आर्म पुलिस मौके पर है। बीजेपी प्रत्याशी पर गुंडागर्दी करने का आरोप। इधर रायबरेली में नामांकन के दौरान बवाल हुआ है। बीजेपी नेता और क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी में हाथापाई हुई है, दोनों के बीच गाली गलौज की भी खबर आ रही है। पुलिस के सामने ही दोनों के बीच मारपीट होती रही।
रायबरेली में नामांकन के दौरान बवाल, बीजेपी नेता और क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी में बवाल हुआ है, संघर्ष हुआ है और पुलिस के सामने हुआ है। रायबरेली की तस्वीरें, बीजेपी नेता और क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी में संघर्ष और बवाल की तस्वीरें। नामांकन के दौरान हंगामा और बवाल, रायबरेली में नामांकन के दौरान हंगामा और बवाल, बीजेपी नेता और क्षेत्र पंचायत प्रत्याशी में हंगामा बवाल, बुलेट गिरी हुई है सड़क पर, आप देख सकते हैं। कारतूस का भी इस्तेमाल करने की तैयारी थी, ये भी आप देख सकते हैं, और पुलिस के सामने ये ज्यादा शर्मनाक। अगली तस्वीरें जौनपुर से, वहां पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर बवाल हो गया, विधायक प्रतिनिधि पर बदमाशों ने धावा बोल दिया, ग्रामीणों ने 3 बदमाशों को पकड़कर उनकी पिटाई की है, ग्रामीणों की पिटाई से बदमाशों की हालत नाजुक बताई जा रही है और पुलिस की टीम इस मामले की छानबीन में जुटी बताई जा रही है। विधायक प्रतिनिधि पर बदमाशों ने धावा बोला, 3 बदमाशों को पकड़कर पीटा है। अब खबर कानपुर देहात से है, वहां पर नामांकन के दौरान हंगामे की खबर है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, सपा प्रत्याशी ज्ञानेंद्र यादव के साथ जमकर मारपीट की खबर। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है, सपा प्रत्याशी का नामांकन पर्चा छीनने की कोशिश की गई है, पुलिस ने वहां पर मोर्चा संभाल लिया है, सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा गया है। राजपुर विकास खंड कार्यालय परिसर का यह सारा मामला और तस्वीरें वहीं से, राजपुर विकास खंड परिसर का नामांकन के दौरान हंगामे की तस्वीरें और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ज्ञानेंद्र यादव जी के नामांकन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा हमारे प्रत्याशी का नामांकन पत्र छीना गया। बीजेपी और सपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, नामांकन के दौरान जबरदस्त हंगामा, ज्ञानेंद्र यादव जी के नामांकन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के गुंडों के द्वारा हमारे प्रत्याशी का नामांकन पत्र छीना गया। तो आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन पत्र छीना गया है कानपुर देहात में। तस्वीरें आप देख लीजिए एक्सक्लूसिव, नामांकन के दौरान हंगामे की तस्वीरें, बीजेपी और सपा कार्यकर्ता आमने सामने, खूब हंगामा। कानपुर देहात की तस्वीरें, इधर उन्नाव में नामांकन के दौरान बवाल हो गया है, ब्लॉक प्रमुख का पर्चा दाखिल करने के दौरान बवाल हुआ है, नवाबगंज में निर्दलीय प्रत्याशियों का पर्चा छीना गया है, बीजेपी पार्टी के समर्थकों पर पर्चा छीनने का आरोप लग रहा है। पर्चा छीनने के बाद समर्थक आमने सामने आ गए और मौके पर मौजूद पुलिस भी वहां पर मूक दर्शक बनी रही, प्रशासनिक अधिकारी भी पूरे मामले में अनजान दिखाई दे रहे हैं। अजगैन थाना इलाके के नवाबगंज में बवाल हुआ है, उन्नाव की तस्वीर देखिए आप कैसे बवाल हुआ, निर्दलीय प्रत्याशियों का पर्चा छीना गया है ऐसा आरोप बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थकों ने काम किया है और पुलिस की मौजूदगी में किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद दोनों ही दलों के समर्थक, दोनों ही प्रत्याशियों के समर्थक आमने सामने आ गए। और बात कन्नौज में एबीपी गंगा संवाददाता पर हुए हमले की, जिस पर प्रशासन से लेकर संगठन ने संज्ञान ले लिया है, डीएम और एसपी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। वहीं यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि जिला अध्यक्ष से बात कर गुंडागर्दी करने वालों पर एक्शन लें। दरअसल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान एबीपी गंगा संवाददाता नित्य मिश्रा को कवरेज करने से रोका गया, हमारे संवाददाता के साथ मारपीट की गई और कैमरा तक उनका छीन लिया गया। तस्वीरें आप देख लीजिए,
एबीपी गंगा संवाददाता के साथ कन्नौज में मारपीट, पुलिस की मौजूदगी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की। कन्नौज प्रशासन से लेकर कन्नौज बीजेपी संगठन ने इस मामले का संज्ञान लिया है, दोषियों पर कार्रवाई की बात कही, आश्वासन दिया। देखिए हमला कैसे हुआ, इन तस्वीरों को देखिए आप। तो एबीपी गंगा संवाददाता पर हमला करने के लिए दौड़ा ये कार्यकर्ता, मुंह पर उसने गमछा लपेटा हुआ था, देखिए उनका कैमरा हाथ पर मारकर गिरा दिया जमीन पर, और उसके बाद एबीपी गंगा संवाददाता पर हिंसक प्रहार किए गए, सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में कन्नौज में, बेहद शर्मनाक। सौरख विकास खंड में नामांकन के दौरान गुंडे की गई, बड़ी खबर है। यूपी में ब्लॉक प्रमुख पद के चुनाव को लेकर नामांकन जारी है, कुशीनगर के तमकोही राज से बीजेपी की अनुराधा ने पर्चा भरा। बहराइच मीरपुरका से सहकारिता मंत्री के बेटे अभिषेक का नामांकन है। पूरा बाजार प्रमुख के लिए बीजेपी से उषा सिंह ने नामांकन किया। बहराइच से खबर, मेघापुरका से सहकारिता मंत्री के बेटे अभिषेक का नामांकन हुआ। पूरा बाजार प्रमुख के लिए बीजेपी ने उषा सिंह ने बीजेपी की ओर से नामांकन किया। अयोध्या में नामांकन जारी ब्लॉक प्रमुख पदों के लिए। कुशीनगर के तमकोही राज से बीजेपी की अनुराधा ने पर्चा भरा है ब्लॉक प्रमुख।